नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और अभी हम पहुंचे हैं गांव मजगर, और आपको बता दें बीती रात यहां पथराव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, और बताएंगे किसमें हुआ है वो भी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये HR 29/2498 ये गाड़ी का नंबर है। और ये मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये पूरी तरह से चकनाचूर कर दी ईंट पत्थरों से, और इस पर आपको नज़र आ रही होंगी टाइलें, ईंटें, ये पत्थर तमाम इस पर नज़र आ रहे होंगे। और ये यहाँ खिड़की टूटी हुई पड़ी है, खिड़की का जो पल्ला है वो टूटा हुआ पड़ा है, और ये तमाम पत्थर आपको अभी भी नज़र आएंगे। ये घर है जिस पर पथराव हुआ है देर रात। और आपको बता दें कि यहाँ जो 112 पर जो पुलिस आई थी, उस पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी, वो भी तोड़ दी गई, और पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। बात करेंगे परिवार के लोग हमारे साथ हैं, एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या था और किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था। क्या नाम? जय हिंद सर, मेरा नाम शिवानी धनकर है और मेरे पिताजी का नाम शक्ति सिंह है। तो सर, कल 6:30 से 7 के बीच की बात है, तब मैं और मेरा भाई और मेरी सहेली, हम लोग घर पर अकेले थे, मेरा भाई ऊपर था सर कमरे में। उसके बाद सर मैं और मेरी सहेली नीचे कमरे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मेरे चाचा मेरे भाई के पास जाते हैं, पूछते हैं पहले कि आपके घर पे कौन कौन है, मम्मी पापा हैं या नहीं। तो मेरे भाई ने बताया कि मम्मी पापा यहाँ पर नहीं है, तो सर उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर मेरा भाई नीचे आके इधर ही सर बैठ गया था, हम लोग अंदर कमरे में ही थे। उसके बाद सर फिर चाचा फिर से नीचे आते हैं और इसको बोलते हैं मेरे भाई को कि अंदर कौन कौन है, मम्मी पापा हैं या नहीं, फिर से पूछते हैं। तो इसने बताया कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, अंदर दीदी हैं और उनकी फ्रेंड है। तो उन्होंने बोला कि वो अंदर जाने लग गए सीधे, जबकि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर। तो उसके बाद मेरे भाई ने उन्हें रोका कि आप अंदर मत जाइए, अंदर बहन है और उसकी सहेली है और आप दारू पी के अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने इसके साथ बदतमीजी की, गंदी गालियां देने लगे। उसके बाद मेरे भाई ने भी फिर उन्हें बोला कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद सर मेरा भाई अंदर आया, मुझे सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैं और मेरा भाई मेरी सहेली को छोड़ने चले गए थे दयालपुर कॉलोनी में सर। उसके बाद हम लोग जैसे ही गए वहाँ पर उसे छोड़ने, और हम वापस आते हैं तो हमें पता चला कि मेरे भाई को मारने के लिए मेरे चाचा सतविंदर धनकर अपने साथ 2 लोगों को लेके आए थे, जिनके पास लाठी डंडे थे इसे मरवाने के लिए सर। वो हमारी खुशकिस्मत थी कि उस समय हम यहाँ मौजूद नहीं थे। ये सारी चीज़ें हमें घर आने पर पता चली। मेरे दादाजी हमारे बीच बचाव के लिए आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं रुक रहे थे सर। इसके पश्चात हमने अपने माता पिता को कॉल किया, उनसे पूछा कि वो कितनी देर में आ रहे हैं, वो बाहर काम से गए हुए थे तो वो जाम में लगे हुए थे सर। उसके बाद मेरे मम्मी पापा आते हैं 8:30 के अराउंड। उसके बाद आने के बाद जो वो लड़का था जिसने मेरे भाई पर मतलब डंडे जो लेके आया मेरे भाई को मारने के लिए, तो वो चाचा के साथ सर उनकी कार में आता है, तो वो ऊपर चढ़ गया। तो उसके बाद मेरे पापा उसे नीचे बुलाते हैं कि आप नीचे आइए पहले, तो कि मतलब इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि जो किसी के दूसरे घर लाठी डंडे लेके चला जाएगा, जबकि पता है कि उसके माँ बाप तो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है घर पे, बच्चे अकेले हैं। सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कि बच्चे अकेले हैं और आप उन्हें मारने आए हैं। तो इसके बाद सर पापा जैसे वहां जाते हैं तो चाचा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनकी झड़प हो जाती है। उसके बाद सर मेरी मम्मी को सर में चोट लगती है, मेरी मम्मी का सर फूट जाता है, तो मेरा भाई उन्हें अस्पताल में लेके गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो मम्मी को भी टांके आए हैं, उनको काफी ब्लड इंजरी उनकी हुई है, काफी इंजरी उन्हें हुई है, ब्लड बहा है। तो उसके बाद सर मेरे चाचा द्वारा मैं यहाँ पर खड़ी होकर सर वीडियो बना रही थी उस लड़के की जो ऊपर खड़ा होके तमाशा देख रहा था जो मेरे भाई को मारने आया। मैंने उसको बोला वीडियो बनाते, मेरे पास वीडियो है सर, कि नीचे आ तू उतर के पहले, और तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ सर, मेरे ऊपर ऊपर से ईंट फेंकी गई है, आप निशान भी बाहर देख सकते हैं ईंट का। तो मैं झुक गई हूँ मेरे दादाजी के कहने पे जैसे ही पथराव हुआ। उसके बाद एक छोटा हिस्सा उस ईंट का मेरे यहाँ पर लगा है, निशान भी है सर। उसके बाद कंटिन्यूअस हमारे घर पर ईंटों की बरसात की गई है सर वहां से, और यहाँ पर सर पूरे घर में ईंटें फेंकी गई हैं पूरा। इसके बाद सर छत पे चढ़ने के बाद हमारे छत पे ऊपर से पूरी ईंटें फेंकी गई हैं, पूरे घर का नुकसान कर दिया गया है सर। हमारी टंकी फोड़ दी गई, पापा की बाइक पूरी तोड़ दी गई है। इसके अलावा सर अभी हमने नए कमरे बनवाए थे, एक बाथरूम और एक कमरा टाइल्स लगवा के उनकी टाइलें तोड़ दी गई हैं सर। इसके अलावा बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ दिया गया है पूरे तरीके से, और कंटिन्यूअस हमें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। तो सर ये चीजें भूलने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें जान का हमला है। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने, पुलिस को कुछ? जी सर, पुलिस को 112 पर मैंने कॉल किया काफी बार, तो 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस यहाँ पर आती है। तो उसके बाद पुलिस की गाड़ी जैसे ही आई तो पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया जाता है, उनका पूरा शीशा जो था वो तोड़ दिया गया।
उसके बाद सर पुलिस की हमें कॉल आती है कि अभी आप बाहर मत निकलिए क्योंकि अभी उनकी फोर्स आ रही है। तो सर जैसे ही उनकी फोर्स बाकी आ जाती है, पुलिस वालों को हमें फिर से कॉल आता है तो हम लोग बाहर निकले, जब हमें लगा कि पुलिस प्रोटेक्शन हमें दे रही है। उसके बाद सर वो यहाँ से फरार हो चुके थे, वो लड़का भी यहाँ से फरार हो चुका था। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई, हमने सारे अपने बयान दिए हैं सर लिखित में, हमने अपनी एप्लीकेशन भी दी है, आस पड़ोस में से जिसने जो भी देखा सर अपने गवाह उन्होंने लिखित में यहाँ पर दर्ज करवाए हैं पुलिस वालों को। उसके पश्चात सर पुलिस वाले जब यहाँ से जा चुके थे, हमने मांग की पुलिस प्रोटेक्शन की, तो दो पुलिस वाले यहाँ पर छोड़े गए हमारी प्रोटेक्शन के लिए। उसके पश्चात सर पुलिस वाले फिर से आते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का भी नुकसान किया गया, तो वो भी हमें लिखना था एप्लीकेशन में कि सरकारी गाड़ी जो है उसको भी हानि पहुंचाई गई है। जी सर, तो वो भी मैंने अपनी एप्लीकेशन में दर्ज किया। उसके बाद सर पड़ोस में से ही किसी की सूचना मिलने के पश्चात हमें पता चलता है कि वो यहीं किसी के घर में ऊपर सोए हुए हैं नग्न अवस्था में, जहां पर उनके शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, वो सोए हुए थे। उसके पश्चात सर मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया इस केस के बारे में कि वो यहीं पर हैं और सोए हुए हैं। उसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर जो थे वो मौजूदगी उनकी जब रही तो वो गए वहां पर, समय पर उपस्थित हुए और देखा कि अंदर ही मौजूद हैं। दरवाजा ना खोलने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा है सर, सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास। उसके पश्चात उनको पकड़ के ले जाया गया है, लेकिन दो लोग अभी भी फरार हैं सर। जो और दो लोग थे जो आए थे जो लाठी डंडे लेकर और हमला करने के लिए, मारने के लिए, क्या वो जानकार है? सर एक के बारे में पता चला है कि वो हमारे ही दुकानों पे खेत पे रहने वाला कोई किराएदार है, दूसरा कोई गांव का व्यक्ति बताया जा रहा है, मुझे इस बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, ये पूछताछ में ही पता चल पाएगा सर। नहीं सर, मेरी पहचान की मैं तो जानती भी नहीं हूँ सर, मैं बनारस में रहती हूँ, BHU स्टूडेंट, सीनियर अंडर ऑफिसर BNCC की रह चुकी हूँ, तो मेरा सर यहाँ आना जाना बहुत कम होता है। अभी आई थी घर पे कुछ दिनों के लिए, तो इस दौरान ये सब हुआ है। ये सब हुआ तो क्या कारण क्या है, कुछ इसका कोई रीजन तो होगा कि ये क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों हमला किया इस तरह से? कुछ तो कोई बात पहले हुई हो या कोई प्रॉपर्टी विवाद हो या कुछ भी हो, क्योंकि सगे चाचा है। सर प्रॉपर्टी विवाद यदि देखा जाए तो मान सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि मेरे भाई को काफी टाइम से धमकियां दी जा रही थी कि तुम्हें इस घर में रहने नहीं दिया जाएगा या जो भी चीजें हैं। लेकिन सर मुझे लगता है कि आजकल का जो गांव समाज का माहौल है, यहाँ पर हम कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि भाईचारा, हमारा हरियाणा प्रदेश तो काफी फेमस है गांव समाज के भाईचारे के लिए, लेकिन एक भाई की, जब एक भाई की संतान, एक भाई के बच्चे किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच रहे हो, देशभर में अपना नाम बना रहे हो, तो सर वो किसी भाई को पसंद नहीं आएगा शायद। और यही चीजें हैं सर, कल मुझे लेके काफी गालियां भी दी गई हैं, मतलब इतनी चीजें कि मैं एक देशभर में अपनी पहचान बना रही हूँ। मैं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ सर हमीरपुर की संस्था में, मैं पूरे मतलब समाज सेवा का भी मैं काम कर रही हूँ। तो लेकिन आप किस अपने भाई के बच्चों को बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, तो सर मुझे नहीं लगता ये भाईचारा है। और यदि मैं बात करूं किसी रंजिश की, तो मेरे पापा का तो किसी रंजिश से कोई मतलब ही नहीं है सर। गांव में किसी से भी पूछ लीजिएगा, उनमें एक कोई सिंगल ऐब कोई नहीं बता सकता कि वो ड्रिंक करते हैं या किसी से लड़ाई करते हैं, एक कोई भी उनके अंदर कमी नहीं है। तो मुझे नहीं पता सर उनका रीजन क्या रहा है, क्या वो बातें अपने मन में रख के बैठे हैं, लेकिन सर हमला जो हुआ वो बहुत ही गंभीर था। बहुत गंभीर था, और इसमें पूरे घर पर पथराव हुआ है, ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से। और मोटरसाइकिल देख रहे हैं आप, अभी भी पड़ी है जो पूरी चकनाचूर हो चुकी है, और इसके बावजूद टंकी भी, पानी की टंकी जो थी, पानी की टंकी ऊपर टूटी है, जो ये नई टंकी अभी लाए हैं, और ये देख सकते हैं आप, समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ऊपर से जब ओले बरसते हैं, बिल्कुल वैसा माहौल है। ये देखें ऊपर ये पत्थर आपको टूटा हुआ नजर आएगा, और ये देख सकते हैं ये पूरा दरवाजा यहाँ तक आपने वहाँ छत से। अब आप समझ रहे हैं इस तरह ताबड़ तोड़ पत्थर बरसाए गए हैं, ईंट पत्थर, और ये वैसे के पैसे अभी यहाँ पड़े हैं ज्यों के त्यों। और आप समझ रहे हैं कि इन ईंट पत्थरों के आगे अगर कोई आ जाता है तो उसका क्या हाल होता, भगवान ही उसका मालिक है, हो सकता है कि शायद ही वो बचता है, क्योंकि इस तरह से। और पूरे घर पर, ऊपर छतों पर भी और नीचे भी आपने देखा किस तरह से, और ड्रिंक करके आए थे। जी क्या कहना चाहेंगे सर? उस टाइम इतना खतरनाक मंजर था कि हमें ही पता है, हमें ऐसा लग रही थी कि कोई ऊपर से आए और हमें बचाए। बच्चे अकेले ही थे घर में दोनों, और कोई भी नहीं था। हाँ हमारे बस, मैं कुछ मतलब बोल नहीं पा रहा बस। और बोले भी तो क्या, क्योंकि कोई और हो तो बोले भी, यहाँ तो अपना ही सिक्का जब खोटा हो तो आदमी क्या कह सकता है। भाई इतना हत्यारा हो सकता है?
कह नहीं सकते, समझ सकते हैं। लाचारी आ रही है भाई के बारे में ऐसा कहने की, ठीक है ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लेकिन इतना घटिया काम कोई भाई नहीं कर सकता, हत्यारा ही कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं ये दूसरा भाई है, तो आप सुन रहे हैं जिसके भाई की आंखें नम हो रही हैं अपने भाई के इतनी करतूतें देखने के बाद भी उसके खिलाफ उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, कोई बुराई के शब्द नहीं निकल रहे जो वो कह सके। तो आप समझ सकते हैं एक ऐसा भाई और एक दूसरा ऐसा भाई जो घर में घुसकर अपने ही भतीजे भतीजियों पर मारपीट करता है और जान लेने की कोशिश करता है। ये देख रहे हैं ईंट पत्थर जैसा कि बता रहे थे, और ये देखें जो पत्थर ऊपर से जब फेंका गया ये निशान देख रहे हैं, और यहीं खड़े होकर ये वीडियो थोड़ा सा दिखाएं, कोई वीडियो जो हो वो। तो आप समझ रहे हैं कल यहीं से जो बना रहे थे इस वीडियो को, कल की घटना है। और भाई ने ही भाई के घर पे पहले तो ये सर जो फोड़ा गया था, जी सर, ये मेरी मम्मी का जो सर फोड़ा गया है, इसके अलावा सर ये सारी तो आप देख चुके हैं जी। इसके अलावा सर ये पुलिस की गाड़ी जो तोड़ी गई है ये देख सकते हैं जी सर, 112 ये अरबी जो है पुलिस की, ये इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं जी सर। और इसके अलावा सर हम ये दिखा देते हैं, मारन तो मेरे को नहीं फर्क, इनकी मैं दिखाऊं वो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, वो जॉन साहब यहाँ खड़ा था ना, रुक जाओ पहले सही खड़ी थी भाई। ये मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये वही मोटरसाइकिल है जो अब चकनाचूर हुई पड़ी है, और पत्थर सामने वाले घर से, ये उनका व्हीकल नंबर, अभी डंडे वंडे ला रहे हैं सर, देखते रहिए आप। मेरे सर पे ईंट मारी गई सर, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से, अब आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या मंजर होगा और क्या बीत रही होगी इन इन लोगों पर जो घर में अकेले थे और सामने से ताबड़तोड़ पत्थर चल रहे थे। तो फरीदाबाद अब क्या हुआ है जी, इसमें क्या पकड़ा है सर? अभी तो चाचा को कल रात को पुलिस ले गई है, लेकिन दो लोग अभी भी फरार हैं सर। लेकिन मैं अपनी तरफ से लोगों को एक संदेश देना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आज के समय में, जहां गांव समाज की वजह से हम लोग अपने साथ हो रहे अपराधों को सिर्फ इस वजह से झेलते हैं कि ये हमारे रिश्ते हैं। वहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमेशा प्रशासन के साथ रहिए, क्योंकि मुझे भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, मेरा भी सपना है आईएएस बनने का, मैं उसी की तैयारी भी कर रही हूं सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो सर मेरा एक संदेश है कि जहां भी सही और गलत की बात है वहां आप रिश्तों को नहीं सही और गलत को चुनिए, क्योंकि यदि आप अपराध को थोड़ा सा भी बढ़ावा दे रहे हैं तो कल को वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है, समाज के लिए जानलेवा हो सकता है। तो आप कभी भी अपराध के आगे डरिए मत। अर्जुन को भी आप जानते हैं, जहां एक तरफ युद्ध में सब उनके अगेंस्ट थे जो उनके अपने थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि आप धर्म का साथ दीजिए अधर्म का नहीं, उन्होंने दिया। आज मुझे फील हो रहा है मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है, अपने घर के लोगों के अगेंस्ट लड़ना, इस तरीके से बोलना। मुझे इंटरव्यूज देना पसंद है लेकिन एक समाज सेवक के तौर पे, इस तरीके से कभी नहीं सोचा था सर कि देना पड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं प्रशासन के साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी उस लाइन में जाना है, एक अधिकारी बनना है, तो मेरे लिए सही और गलत रिश्तों के ऊपर है। जय हिंद जय भारत। तो फरीदाबाद आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।